कोई बेटा नहीं, तो समझ ले परम की है टी मुझे। एक बार हाथ उठा दो सीधे हाथ। वो माँ कह रही इस मैया से कि मेरी किस्मत में कोई बेटा नहीं, तो समझ ले कर्म की हेती मेरे। मैंने पूर्व में ऐसे कौन से कर्म किए थे जो मेरी इस जन्म में कोई संतान नहीं हुई। माँ कम से कम तू मुझे कोई बेटा नहीं दे सकती, तो कम से कम एक बेटी ही दे दे। तू क्या करी उठाई दोनों हाथ। वो एक सीता जैसी दे दे माँ बेटी मुझे, सीता जैसी दे दे। ओ मेरी किस्मत में कोई बेटा नहीं, मेरी किस्मत में कोई बेटा नहीं, ओ मेरी किस्मत में कोई बेटा नहीं, मेरी किस्मत में कोई बेटा नहीं, तो समझ ले करम की है की मुझे। एक सीता जैसी बेटी मुझे, एक सीता जैसी तीनों कुल को तारने वाली सच्चे मन को दे दे हुई थी जिसका नाम सावित्री था। सावित्री ऐसी नारी हुई जिसने अपने पति के प्राण यमराज से लेकर आई। ये हो तो क्या कह रही है माँ के मुझे बेटी चाहिए तो ऐसी चाहिए। ऐसे क्या कह रही है ओहो सावित्री सी गुणवती हो जो यम से ना डर खाया, सावित्री सी गुणवती दिखलाया।
और बेटी मुझे एक सीता जैसी दे दे मां, बेटी मुझे एक सीता जैसी दे दे मां, ध्यान से सुनना, उनके लिए कह रहा हूं। एक बार वो भक्त हाथ उठाए जिनके पास बेटियां हैं, एक हाथ सबसे ऊपर उठाए जिनके पास बेटियां हैं। जिनके पास बेटियां वो हाथ उठाना, वरना और मत उठाना, हाथ नीचे कर लो। इन भक्तों से मैं ये चाहता हूं कि हम अपने बेटे की सारी इच्छाओं को पूरी करते हैं, सारी बातों को बेटे की मान लेते हैं, लेकिन आज एक मान बेटी का भी रख लो। जिनके पास बेटियां हैं वो आज अपनी बेटी के नाम से एक अरदास कर दो, जो भी इच्छा हो। अरदास मतलब बेटी का सम्मान इस मैया के सामने। जिन्होंने अपनी बेटी का सम्मान इस मैया के सामने कर दिया, ये मेरा विश्वास है कि मैया ने उन बेटियों को जीवन हमेशा सुख से भर दिया। जय हो। अपने स्थान से उठे और जो भी इच्छा हो आज सिर्फ अपनी बेटी के नाम से करदास नहीं कर रहे। आई सजा आई कहा है एक सीता जैसी दे 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 की है सीता जैसी दे दे बेटे के नाम पर। बेटियां यहां भी बेटों से पीछे हैं, देख लो कितना भी चिल्लाएं, दीवारों पर लिख दो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन नहीं, ढाई अक्षर बिल्कुल काला है। क्या बात नहीं, क्या बात। भाई 100 रुपए आए हैं भैया जी, क्या नाम से लगा दिया? नीरज। नीरज भाई ने बेटी के नाम से 100 रुपए दिए। भाई ऐसे होते हैं बेटियों का सम्मान करने वाले भक्त। मैंने कहा था कि जो भी इच्छा हो, या कोई 100-200 रुपए की बात नहीं है, बेटी का सम्मान तो 10 रुपए में ही हो जाता है। आइए और किस तरह से कहा, देखिए। ओहो मेरे सुने मन में हो, मन को तुम से छोड़ेगी, मेरे सुने रंग में हो, मन को तुम से छोड़ेगी, मेरे सुने मन में हो, मन को तुम से छोड़ेगी, मेरे सुने रंग में हो, मन को तुम से छोड़ेगी, मेरे सुने अमर में हो, भगवती के चरणों में ये बेटी के सम्मान में 100 रुपए लेकर आए हैं। और कैसे कहा है, ओ मेरे सुने आंगन में हो, मन को तुमने बोलेगी, हे मेरे सुने आंगन में हो, मन को तुमने बोलेगी, मेरे सुने आंगन
Thank you.